हेलो स्टूडेंट्स, ऐसी क्लास सिक्स की लेसन नंबर थ्री को आना वो चैप्टर में तो उसी धैर्य का पाठ कौन धैर्य का पाठ धैर्य है विधि पेशेंस है ना हायर इंग्लिश का कोई ना खांग बकन बको अंदर भी मस्सी की लेसन से वारी से कुछ बागड़ को वारी से लाइक देख लो थोड़ा कौन है गधी जातक कथा है ना खंगई जातक कथा से मेनली गौतम बुद्ध की माँ का मरी रही नंबर गौतम बुद्ध है से नानो कहेंगे को बौद्ध धर्म की प्रचारक माँ की संदोम बा गौतम बुद्ध की मरम द ईबा महाक न लीरम बवारी न त्रगा महाक की मपोक मैं यहाँ मम्मा का पोक ही है ना थजन नहीं मपोक सिंधु और तब की बवारी सिंधु त्रिपिथक है रे बा माँ की लारिक तू द माँ की चैप्टर में द दो वारी सिंधु ईद नो लाई मधु के लोग फोड़ पनी यंसी मखाद करी हरि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नीति पर कथाओं नीति परक कथाओं के हम नीति परक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं। इस पाठ में धैर्य का महत्व के बारे में बताया गया है। लेसन असीदा इस पाठ में धैर्य हरदी खांग बकनबक नतरगा पेशेंस इंग्लिश का पेशेंस की इम्पोर्टेंस महत्व मरु ओय बसिंग दो करी क्याम मरु ओय बगे क्याम जाम न खांग बकन बा है बसिंग नतरगा क्याम मरु ओय बगे है दुई मतांग दनी असिग लेसन से को यंग सी पुराने जमाने की बात है। थाई न ममांगे की वारी नी गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरा गांव पैदल जा रहे थे। कोमा खुन्नमदगी खुन्नमदा मखोंग न चलम एको साथ में उनके शिष्य भी थे। माँ का माँ की लोइना माँ की लोइना रंबर सिंह करना करना नो माँ की खोंगलोई सिंह को माँ की थाजब मांग बुत थाजब मिसक सिंह को शिष्य भी थे। उस दिन बहुत गर्मी थी जब न साबन उम्मीद मो रमी क्षण भर विश्राम के लिए वे एक वृक्ष के नीचे तृण पर बैठ गए। मेको खरतन कथा बगी दमकता को क्षण भर विश्राम के लिए वृक्ष शब्द ही उपाम भी है को उजाव चौब उ जाव चौब की मुखाद नीचे तीन हैबदी नापी को नापी की मथक था हम दुना महा आपको हरमी। उन्होंने एक शिष्य से कहा बहुत प्यास लगी है कहीं से थोड़ा जल ले आओ। इसी हम खोड़ांगे महा की हुए यम को महा के हरमी इसी हम खोड़ांगे सिंखड़ा पुरोवा। शिष्य ने आसपास देखा वहां एक छोटा सा पोखर था। मैं कोई इंगेंग उदा इसिंगी पुखरी मचाम का को पुखरी दी जंगल ले रमी को पोखर में एक बैल जल पी रहा था। पोखर दुगा इसिंग दुगा सन लाबा में इसिंग था लमी। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। मांग इसिंग लव गे चत्पा मतम्दा उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल गया निकल भागा। मां को उबदा की दुना सन द सन लाब दो इसिंग दुदा चेंथा रगा कुंथा रगा चेन की को इससे जल गंदा हो गया। मांग ना कुंथा रगा इसिंग दो चत्ती बा मतम्दा इसिंग दो नहीं हाउरे यामना या मोल हाउरे इसिंग दो लेनांग का हाउरे को। शिष्य ने सोचा माँ के खुंगलोई दोनों खलम में गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। सी ये बहुत पेशिंग सी थी आएगी गुरु को आएगी गौतम बुद्ध की दमक का कमाई ना पूर्णी ऐसी सी थी मोल ले आना। वह फिर आगे बढ़ा माँ अतो पक्खरा का चटना ये गम्मे चारों तरफ देखा माँ के कुनाम दे ये गम्मी पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। अतो पम दैसिंग अमत थी बफंग अम दे वह वह थक गया वहां वारम में इसिंग थी बदको वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध को सुनाई। मांग ना हलागा वहां की वारी को दिन में वहां की गौतम बुद्ध तलीरम में को शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले पुनः तुम उसी पोखर में पोखर के पास जाओ अगर इस बार भी जल गंदा हो
तो कुछ समय रुक जाना, पर जल लेकर ही लौटना। गौतम बुद्ध ना नौखे तोड़गा हैरमी अमुख न चलू पुखरी दुग बांध चलू हंदक ती इसिंग दो फजब रही एंगो फजदरगा दी इसिंग दो फजब आयरम फजब आयरगा इसिंग दो पूरगा दी हलऊ न को महक ना है बदु ताबदा। बुद्ध के आज्ञा मानकर शिष्य वहां पुनः गया अमुख न मफन दुल चलमी। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है। मथंगी जत्म तंददी इशिंग दो यम लू न ले रमे गंदगी नीचे बैठ गई है। अमोद पर सिंह दो मखाद फम था खड़े। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध के पास लौटा। इशिंग कौन अमद इशिंग खड़ा पूरा का बुद्ध की मनाता मुगला में। बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा महा को कौरगा बुद्ध न हरमे इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना। नसी की लेसन से न कोई मुन्नताओ को स्वाइसी मुन्नताओ बुद्ध न कौरगा मुहैर में माँ की शिष्य दुगा नसी की नंगा तम्मी बसे कई नो इसे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। नसी की तमजन निगाह दिए कोई ना ngai bakan bakhang bakan bahai bese mathauni jab bhi tumhara man ashant ho ringwa matam da nangi wakhanda jingna banat laga chalang ba phawra ba to use thoda samay dena ngaktang matam piu ngaktang pothaw ngaktang matam piu ko man ki malinta aur ashanti baith jayegi पखंदले रम चलांग नब अमोत पसिंग दो को मलिनता हेदी मोचन अमोत पसिंग दो आसान थेदी चलांग नब सिंग दो फमथा किनी मन अपने आप शांत हो जाएगा। नंगी वखंदो मथम त इंथा किनी को बुद्ध को बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित प्रसन्न हो गया। गौतम बुद्ध न हाय वसे ताबद गौतम बुद्ध ना हाई बा याम नमरु हुए बा कोई पुंसी का मरु हुए बा पुंसी दा याम पौताक सिंह से ताब दा माँ को याम हराऊ ना हराऊ करे तो ना कोई सुंगांग सा करिंग मम तम दा वखल दा चराग ना बा पावर बा अकी बा नुंगाई तब बा पावर बा हाकतंग मुफ़म दुदा वखल दो बु चराग ना बा दोकोक ना बा हाकतंग ngai बताए कोई ngai बाए बसे अथौताई अरे गोंग गोंग सिगि लेसन सि दगे खोइना खंग मंगम मिबसे खंग बकन बा अमसु ngai बा हाय बसे याम न मथौनी अखोई पुंसि द मिओ बगे पुंसि द को अरे दिङ सिगि अखोई लेसन से सिद लोयरे मथंगि लेसन द लेसन सिग मरि लेनबा क्वेश्चन आन्सर्स मथंग अखोई मथंग द मुक्नि नरसी अरे दिङ अखोई लेसन से पारो पारगा गौतम बुद्ध की मरम द अमा की पौताक सिंह से न कोई सोइदना पुंसिदा निंगसिंगनी हाइना यासा तवी बस यार गंगा सिगले सेंसेलो सेलसी।